नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लड़ते झगड़ते एक दूसरे को दिल दे बैठे थे गोविंदा और सुनीता, मतभेद को पीछे छोड़ ऐसे परवान चढ़ा प्यार। अभिनेता गोविंदा सिनेमा जगत में कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर हैं। गोविंदा अपने जीवन के हर पड़ाव पर सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। उन्होंने जिस दमदार अभिनय के साथ फिल्मों में अदाकारी दिखाई, उसी मजबूती से उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी रिश्ते निभाए। शादी के बाद अभिनेता का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा, लेकिन कई उतार चढ़ाव के बाद भी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता ने अपने रिश्ते को संभाल कर रखा। आज गोविंदा और सुनीता की शादी की सालगिरह है। चलिए इस मौके पर जानते हैं कि कैसे शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। गोविंदा की सुनीता के साथ पहली मुलाकात काफी दिलचस्प रही थी। इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी कि सुनीता गोविंदा के मामा की साली है। दरअसल गोविंदा के मामा आनंद सिंह की शादी सुनीता की बड़ी बहन से हुई थी। अपने संघर्ष के दिनों में अभिनेता लगभग 3 साल तक अपने मामा के साथ रहे थे। इसी दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकातें होती थी, लेकिन वे अच्छी नहीं होती थी क्योंकि दोनों अक्सर झगड़ा कर लेते थे। कहा जाता है कि गोविंदा और सुनीता की मां दोनों शुरू से ही इस रिश्ते के लिए राजी थे, क्योंकि अभिनेता की मां को सुनीता बहुत पसंद थी। लेकिन इसके विपरीत दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वे अक्सर लड़ाई झगड़े किया करते थे। जब सुनीता अपनी बहन से मिलने आया करती थी, तब गोविंदा उनके बीच काफी बहस होती थी। लेकिन दोनों के बीच एक चीज सामान्य थी, वह था डांस। दोनों को डांस का बहुत शौक था, इसलिए अभिनेता की मामा उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने के लिए कहते थे। हालांकि इस बात पर सुनीता साफ तौर पर इनकार कर देती थी, क्योंकि वह गोविंदा को छोटा समझती थी। एक तरफ सुनीता हाई सोसाइटी में रहने वाली मॉडर्न लड़की थी, तो वहीं गोविंदा छोटे कस्बे के निवासी थे। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।